स्वागत है दोस्तों आपका एडवांस टेक्नोलॉजी चैनल पर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेशेंट का ईसीजी कैसे निकालना है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर दोस्तों लिम्ब इलेक्ट्रोड और चेस्ट इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं, उसको पेशेंट पर प्लेस करना है। सबसे पहले लिम्ब इलेक्ट्रोड RL, RA, LA, LL यानी राइट लेग, राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग पर लगाना है। चेस्ट इलेक्ट्रोड को पेशेंट की चेस्ट पर प्लेस करना है। यहाँ पर V1 टू V6 जो चेस्ट इलेक्ट्रोड है वो पेशेंट पर हम लगाएंगे। सबसे पहले आपको RL प्लेस करना है इस तरह से, मैंने जेली ऑलरेडी लगा रखी है। उसके बाद आपको RA, इसका मैंने कलर कोडिंग बनाया है काला पानी, का मीन्स ब्लैक जो प्लेस हो गया, अब ला मीन्स लाल, रेड अभी प्लेस कर दिया। अब ये LA को प्रेस करेंगे, काला पानी, पा मीन्स येलो पीला, और नी मीन्स नीला, ये जो है वो ग्रीन कलर का इलेक्ट्रोड हम लगाया है। तो लिम्ब इलेक्ट्रोड का हमने प्लेसमेंट कर दिया है काला पानी फॉर्मूला के हिसाब से। इस तरह से आपको पेशेंट पर प्लेस कर देना है। दोस्तों अब हम चेस्ट इलेक्ट्रोड को पेशेंट पर प्लेस करेंगे, उसमें V1 टू V6 इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है। तो उसकी पोजिशन आपको जानना काफ़ी हद तक ज़रूरी है। सबसे पहले V1 जो है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के राइट साइड सरनाम पर आएगा, इस तरह से आपको V1 प्लेस करना है। V2 जो है वो एग्जैक्ट V1 के ऑपोजिट साइड पर आएगा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेफ्ट साइड पर। अब V4 लगाना है, V4 जो है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के मिड कैल्विकुलर लाइन पर प्लेस होगा, यहाँ पर। दोस्तों मैंने जेली ऑलरेडी लगा रखी है, आपको जेली कंपलसरी लगाना है। अब हम V3 को प्लेस करेंगे। V3 जो है वो V2 और V4 के बीचों बीच आएगा। अब V5 लगाना है, V5 जो है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर आएगा, यहाँ पर प्लेस करना है V5। और V6 जो है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के मिड एक्सिलरी लाइन पर आएगा, यहाँ पर V6 लगाना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको चेस्ट इलेक्ट्रोड को पेशेंट पर प्लेस कर देना है। जैसे आप देख रहे हो उसी तरह ही आपको भी पेशेंट पर इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है। दोस्तों आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पर चेस्ट इलेक्ट्रोड और लिम्ब इलेक्ट्रोड यानी हाथ पैर के इलेक्ट्रोड को कम्प्लीटली सक्सेसफुली प्लेस कर दिया है। दोस्तों इस तरह से इलेक्ट्रोड प्लेस करने के बाद आपको ईसीजी मशीन को चालू कर देना है। आप देख रहे हो कि डिस्प्ले के अंदर आपको पेशेंट का हार्ट रेट और ईसीजी दिखाई दे रहा है, तो प्रिंट बटन दबाकर आप ईसीजी की प्रिंट बाहर निकाल सकते हो। जब भी आप प्रिंट बटन दबाओ उससे पहले पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई वो कोई भी टाइप की मूवमेंट ना करे। अगर चालू ईसीजी में वो मूवमेंट करता है तो ईसीजी के अंदर भी वाइब्रेशन आएगा और उसकी प्रिंट खराब आएगी, ताकि वो डायग्नोसिस में काफ़ी मुश्किली पड़ जाती है। तो जब पेशेंट कोई भी टाइप की मूवमेंट नहीं करता तो परफेक्टली ईसीजी ही बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर मैंने ईसीजी का प्रिंट बटन दबाया है तो मशीन 10 सेकेंड तक उसका सैंपलिंग और एनालिसिस करने के बाद ही प्रिंट को बाहर निकालेगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पर प्रिंट बाहर निकल गई है। इस तरह से आप ईसीजी सक्सेसफुली निकाल सकते हो ताकि उसमें कोई भी टाइप की मिस्टेक ना हो और डॉक्टर उसका डायग्नोसिस परफेक्टली कर सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। आशा रखता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जान सके कि ईसीजी को कैसे निकालना है। और अगर आपको अभी तक कोई क्वेरी बाकी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले नए ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।